फाइव में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास क्या, द लीनियर इक्वेशन 3x - 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन 3x - 5, एक इक्वेशन मेरे पास दे रखा 3x - 5, इसका पूछा गया है कि हैज यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, है ना, और नो सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है ये बताइए आप, ठीक है, 3x = 15 है, इसके 3x - 5 = 15 है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन। कैसे, हम आपको बताए थे कैसे रखने हैं, है ना, ये 5 हुआ है, 3x - 5 = 15, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 3x = y को इधर भेजिए, 15 + 5 हुआ, ये होगा ऐसा, तो 3x = अब x का वैल्यू निकालिए, x वैल्यू कितना होगा, 15 + 5y / 3 आएगा ना, ये नीचे में 3 आएगा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू रखते जाइए, y का वैल्यू निकलते जाएगा, जितना रखना मर्जी रख सकते हैं x का वैल्यू, ये y का वैल्यू जितना मर्जी रखिए आपको x का वैल्यू आते जाएगा, ठीक है। तो आप कितना वैल्यू निकाल सकते हैं बताइए, इन्फिनिटी, हम लिखेंगे इट हैज इन्फिनिटी सोल्यूशन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, सी सही हो जाएगा, इन्फिनिटी सोल्यूशन सोल्यूशन। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7, 7 को हम देखते हैं, देखिए 7 में क्या दे रखा है, ग्राफ ऑफ y = 5 इज अ लाइन। देखिए 7 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, द ग्राफ ऑफ y = 5, y = 5 एक लाइन है, ठीक है, ये कहाँ बनेगा, आपको इससे पहले बता चुके हैं कि y = 5 जो होता है ये कैसा बनेगा, ग्राफ किसके पैरेलल होगा ये बताइए, एक्स के पैरेलल, गुड, ये एक्स के पैरेलल बनेगा, मान लीजिए y = 5 यहाँ पर होगा 5, तो ऐसा बनेगा, ये किसके पैरेलल, एक्स के पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और सही बात है, इसका ऑप्शन क्या दे रखा है, उसके बाद आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी क्या हो जाएगा इसमें, कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर होगा, ठीक है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो ये पहला सी तो सही है इसका आंसर, है ना। उसके बाद और ऑप्शन इसमें क्या है, मेकिंग इंटरसेप्ट 5 ओवर एक्सिस, ठीक है, तो ओके, और ये भी सही है ना, ये 5 यूनिट, ये 5 इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब क्या कहते हैं, y = 5 का इंटरसेप्ट बना रहा है, देखिए ये कितना का y पे 5 यूनिट कट करेगा ना, मतलब y से 5 तक रहेगा, मतलब y के 5 यहाँ से कट करेगा, ये x के पैरेलल होगा, पहली बात। दूसरी बात, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 y एक्सिस, तो y एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट बनाएगा ना, ये भी इसका सही होगा आंसर, इसमें आंसर जो है 2 ऑप्शन दे रखा, दोनों सही होने वाला है, ठीक है, तो आपको जो है इसका बी और सी दोनों सही हो सकता है ना इसमें, लेकिन MCQ है तो ये बी मेरा जो अभी लेवल में पढ़ने वाला है, सी सही है, करेक्ट होगा यहाँ पे, तो इसका सी 100% करेक्ट है, ठीक है, अभी हम लोग के लेवल के अनुसार ना सी सही है इसका, ठीक है आंसर। आगे देखते हैं इसका, 8 में क्वेश्चन दे रखा है x = 4 का जो ग्राफ होगा आपको ये बताना है कि मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 ऑन द y एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, ऑन y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, और पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका आपको सिंपल से बात समझना है कि x = 4 है, x = 4 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ देखिए 4 यहाँ मिलेगा, x = 2 यहाँ, 1, 2, 3, 4 यहाँ मान लीजिए, तो किसके पैरेलल, y के पैरेलल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया पैरेलल टू एक्सिस, है ना, और इंटरसेक्ट एट, इसका ऑप्शन में दे रखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका भी सी आंसर हो जाएगा, मतलब क्या कि 4 यूनिट होगा ओरिजिन से दूरी और एक्स वाई के पैरेलल होगा ये, ठीक है, तो ये आंसर होगा 8 का। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है 8 के बाद मेरे पास 9 नंबर है ना, चलिए 8 के बाद 9 में क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास कि द ग्राफ ऑफ x + 3 = 0, ग्राफ ऑफ x + 3 = 0 हैज अ लाइन, ठीक है, +3 = 0 एक लाइन बनेगा, कैसा बनेगा देखिए, तो x इक्वल टू क्या बना मेरे पास, -3 बनेगा, अब x = -3 का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, इधर कहीं -3 होगा, 1, 2, 3 मान लीजिए इधर कहीं होगा, है ना, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, ऐसा, और ऐसा ग्राफ बनेगा, देखिए y के पैरेलल होगा ये भी,
तो पैरेलल टू एक्सिस होगा पहली बात, और कहाँ पे, ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, है ना। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड कितना डिस्टेंस, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। बात आई समझ में? 11 में देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 11 में मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y equal to 6, मीट द y एक्सिस एट अ पॉइंट। ये y पे कहाँ मिलेगा, हमने क्या बोला कि y पे x का वैल्यू क्या होता है, ये बताइए आप। ये पूछा गया है कि ये जो लाइन है मेरे पास y पे कहाँ मिलेगा, y पे तब हम सोचेंगे कहाँ मिलेगा, पहले हमको ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ठीक है आपको, y पे x का वैल्यू क्या होता है, किसी भी पॉइंट में y पे x का वैल्यू क्या होगा यहाँ बताइए, 0 हो जाएगा। एक मिनट लाइट चले गया। कि 2x plus 3y equal to 6 ये पूछा है कि this graph meets on y-axis, y-axis पे कहाँ मिलेगा, तो y-axis पे x क्या हो गया, 0 होता है, y something होगा कुछ भी ना होगा, है ना, तो y का समूह वैल्यू होगा ठीक है, मान लीजिए 1 2 0, तो x का वैल्यू 0 पुट कर रहा है, x का वैल्यू क्या कर गया, 0 पुट कर रही, तो x का वैल्यू 0 पुट करके आप मिलेगा 2 into 0 प्लस 3y = 6 होगा, ये तो पूरा 0 हो गया, 3y को कितना 6, तो y कितना 6/3 मतलब 2, y को जो 2 आने वाला है ठीक है, तो ये कहां मिलेगा y का 2 पे, ये वैल्यू कहां आएगा 2 पे, तो यहां पे x 0 y 2, तो 0 को 2 पे मिलेगा कहां पर, y एक्सिस पर, हम कह सकते हैं कि ग्राफ इन लिमिट ऑन y एक्सिस पर 0 को, तो वही करें यहाँ पे ये 0.2 को मिलेगा, यहाँ पे क्या हो 0.2 ठीक है, यहाँ पे सेवेंटीन, 11 को आते हैं, 17 में क्वेश्चन क्या देखता है, ये चौथा पॉइंट ठीक है, 17 में क्वेश्चन देखता है, ये चौथा -2.2 0.0 उसके बाद 2.-2 ठीक है, सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन, इसमें जो है सारे इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ठीक है, तो कौन सा ऐसा लीनियर इक्वेशन होगा ठीक है, तो देखिए लीनियर इक्वेशन में हमको ये सारे इक्वेशंस सेटिस्फाई होगा, तो हम एक ही करके चेक करेंगे, पैरेलल लीनियर इक्वेशन लेते हैं हमारे पास x - y = 0, x - y में ये पॉइंट रखते हैं सेटिस्फाई कर रखा है, ये 2 और ये -3, तो -2 क्या होगी, होगा एलएचएस फॉर्मूला में यहाँ पे क्या है, -2 फिर माइनस और ये 2, तो देखिए -2 - 2 क्या होगा, माइनस अब तो हो गया ये 0 होगा क्या, 0 नहीं होता कभी, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं है इसका ना, ये फायदा नहीं होगा, मतलब जब ये इक्वेशन दी गई बात, दूसरा इक्वेशन चेक करते हैं x + y = कितना 0, x की जगह पे एक माइनस का 2, y की जगह पे एक प्लस का 2, ये 0 हो गया, सही बात है 0 हो जाए, +2 - 2 0 हो गया, तो पहला इसको सेटिस्फाई कर गया, दूसरा रख के लेते 0.0 होता है क्या, देखिए दूसरा रख के 0+0 बराबर 0 होता है, होता है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसमें जो दूसरा पॉइंट है ये 0.0 ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तीसरा रख के देखेंगे हम 2.2 रख के देखते हैं ना, यहां पे देखते इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखते इक्वेशन क्या है मेरे पास x + y, तो ऐसे लेके आ रखेंगे 2 प्लस का y का देगा -2, देखिए कैंसिल हो कितना हो 2+-2 बराबर 0 हो गया, आधा 0 आ जस्ट, मतलब क्या हुआ ये भी इसको सेटिस्फाई करना, मतलब क्या ये वीडियो बना के देखिए, अगर इक्वेशन में सेटिस्फाई करके मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन होता है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये तीनों पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किस इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या होगा इसमें बी, बी इसका करेक्ट आंसर ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये बताइए समझ में सबको, ओके आगे सवाल देखते हैं, 17 के बाद मेरे पास क्वेश्चन 18 में क्या देखो, 18 में
how many linear equations x and y can be satisfied x equal to y equal to 3. So x equal to tan inverse 2 and y equal to tan inverse 3. इससे कितना linear इसको satisfy करेंगे? कितना बता सकते हैं? बहुत सारे linear equation बनेगा जिसको satisfy करेंगे. Example के तौर पे हम ले सकते हैं यहाँ पे देखो 2x plus 3y कितना होगा? इसको 2 से गुणा करके 4, इसको 3 से 9, 4 plus 9 कितना? 13, 13. ये पहला equation बनेगा. दूसरा बना यहाँ पे x plus y. x का कितना रखो? 2 रखो. y का कितना रखो? 3. 3 plus 2 कितना? 5. ये satisfy करेगा इसको. ठीक है? उसके बाद तीसरा equation भी बना सकते हो x minus y. x का क्या रखो? 2. y का कितना? 3. तो 2 minus 3 minus 1. ये भी satisfy करेगा. ऐसे करते करते तो इनफिनिटी बना सकते हो इक्वेशन. जितना इक्वेशन बना बना सकते हो ये सब सेटिस्फाई करेगा इन दोनों को. ठीक है? तो हम क्या सकते हैं देयर आर इनफिनिटी मेनी इक्वेशन दैट कैन सेटिस्फाई दिस टू पॉइंट्स है ना एक्स एंड वाई. ठीक है? तो वो क्या बोलते हैं इनफिनिटी मेनी इक्वेशन. ठीक है? तो बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे मेनी इक्वेशन बनेंगे जो ये पॉइंट्स इनको सेट ये पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है? आई होप ये क्लियर हो होगा. 19 में अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y इक्वल टू द फॉर्म x + by equal to c ax + by + c = 0 है पास है. कह रहा है क्वेश्चन में इनमें से ठीक है कौन सा सही ऑप्शन दे रहा है. 1 2 3 4 ए बी सी डी में क्या आ सकता है? हमने क्या बोला था ए कभी ये हो सकता है क्या? नहीं. बी जो हो सकता है? नहीं हो सकता. सी हो सकता है. ठीक है, लेकिन हो सकता नहीं हो सकता है ना. तो क्या होगा? ए कान में जीरो बी कान में जीरो. ये ऑप्शन जिसमें वो आंसर सी और जीरो होगा क्या होगा? एक्स प्लस बी वाई बटू जीरो. कोई दिक्कत नहीं. ऐसा ही क्वेश्चन बहुत था. सी को आप जीरो कर सकते कोई बात नहीं. सी के लिए एंसर भी नहीं. लेकिन ए और बी अगर जब भी जीरो हो गया तो टू वेरिएबल रहेगा नहीं. एक वेरिएबल ही रहेगा. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो होगा. ठीक है? तो मेरा टू कंडीशन है तो पढ़ना है वही खत्म हो जाएगा. टू वेरिएबल हो जाए हम बोलेंगे वन वेरिएबल तो मेरा वेरिएबल ही चेंज हो गया ना. इसीलिए ए और बी जीरो नहीं हो सकता है ना. ये किसे मैं ऑप्शन दे रहा हूं? ए में दे रखा है ए जो फैक्ट है. ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे x को 5 y को 3 y को 2 इन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये किसका सॉल्यूशन है? तो सारे पास मेरे पास तीन चार सोल्यूशन है तो उसको हम सॉल्व करेंगे x plus 2 equal to 0. ये पहला इक्वेशन है x plus 2 equal to 0. इसमें हम पुट करेंगे इसमें देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है. x की जगह 5 रखिए y की जगह 2 रखिए. क्या 5 plus 2 की जगह 4 9 आ रहा है. ये सब का आंसर है नहीं है तो ये नहीं बनेगा. तो इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाला है. ठीक है? दूसरा रखते हैं b में इक्वेशन है मेरे पास रखा 5x plus 2y equal to 7. अब पूछा इसको सब्सक्राइब करेगा क्या? तब फिर देखते हैं x को 5 रखिए 5 into 5 plus 2 into 2 कितना होता है हमारा 25 और 9 कितना होता है 29. ये 7 गुणा करें क्या? नहीं है. ये भी सब्सक्राइब नहीं देगा. c की बात करें c में नहीं देता. c में क्या है बस x plus 5 into 7 7 x से क्या 5 का y का क्या 2 है 2 रखिए 5 प्लस 2 7 हो रहा है. इसके बराबर ये हो जाएगा. ठीक है? तो स्टैंडर्ड ठीक है. पहली बार हम लोग देखते हैं 24 में बस क्वेश्चन दे रखा है. ये है पिक द पॉइंट 3 कॉमा 4 लाइन ऑफ द ग्राफ q y = x + 7 एंड 3 को तो 3 y इक्वल टू x + 7 ये ग्राफ पे तो लाइन डालते हैं. क्या है आपको जब भी कोई पॉइंट लाइन का ग्राफ है ना व्हेन अ पॉइंट लाइन का ग्राफ
then it will turn square. करने का मतलब क्या है? अब एक्सल में फिर वाई को फोर आने वाला है, ठीक है? एक्सल में फिर वाई फोर आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे कर देना, ऐसे हम रखेंगे यहाँ पे थ्री वाई जीरो फोर, पहला हमेशा वैल्यू होता है एक्स का, याद रखिए, दूसरा होता है वाई का। तो एक्स थ्री इंटू वाई का रखना फोर इक्वल टू ए कितना याद रखिए, ए कितना है थ्री इंटू एक्स लिखा, ए कितना है यहाँ देखिए सॉरी ए तो ई ही रहेगा मेरे पास, ए तो ई रहेगा और एक्स भी मार एक्स ले रहा थ्री रहती थ्री, उसके बाद यहाँ प्लस सेवन है, प्लस टू क्या अपने यहाँ पे थ्री फोर या टू आ गया, ये सेवन इधर आएगा मैच में इक्वल टू थ्री है। अब देखिए सेवन ट्वेल्व में से सेवन कितना बचेगा फाइव, ये नीचे थ्री आएगा थ्री मल्टीप्लाई कर ट्वेंटी, एक मिनट कितना आएगा फाइव बाई थ्री, ठीक है फाइव बाई थ्री यहाँ पर। अच्छा बोलो क्या था मेरे पास क्वेश्चन, क्या था बोलो एक बार क्वेश्चन, ठीक है आप ऑफ द लाइन एक्स इक्वल टू थ्री पासेस थ्रू द पॉइंट थ्री एंड टू, ओके तो एक ग्राफ होगा, ठीक है, लाइन एक्स को थ्री है और थ्री और टू से पास कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास ग्राफ बनाना है आपको, है ना, देखो ये मेरे पास बनेगा एक्स पे वन टू थ्री फोर, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, ये जूम कर लेते हैं ऐसा हो, एक्स को थ्री ग्राफ कैसे बनता है, एक्स को थ्री यहाँ से रहेगा, ठीक है, और ये पास कर रहा है, ठीक है, कहाँ से थ्री और टू से, तो एक्स वैल्यू थ्री पे मिलेगा और थ्री और टू कहाँ होता है, देखो थ्री और टू एक्स थ्री वाई टू यहाँ पर, तो एक्स थ्री वाई टू कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा थ्री कॉमा टू, ये वैसे सर ग्राफ तो ये बनने वाला है ना, हमेशा इसके ग्राफ ये बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस पर जितना ही पॉइंट आएगा वाई का कुछ भी आएगा सेटिस्फाई करेगा, इस पर एक्स इक्वल टू थ्री है, एक्स हमेशा थ्री ही रहेगा, लेकिन वाई कुछ भी तुम रखो यही रहेगा, वाई वन रखो या माइनस वन रखो या माइनस टू रखो कुछ भी रखो, तो ये हमेशा इसका यही ग्राफ बनने वाला है, ठीक है, लेकिन एक्स कभी चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारा एक ग्राफ है जो थ्री कॉमा टू से पास हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद एक्स इक्वल टू थ्री से पास हो रहा है, एक्स इक्वल टू थ्री से पास हो रहा है, थ्री कॉमा टू से पास हो रहा है ना, तो यहाँ थ्री कॉमा टू इसको मिला दो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है। देखो क्या क्वेश्चन बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके ऑफ द पॉइंट ए सेवन कॉमा फाइव ओके फ्रॉम वाई एक्सिस, ओके तो वाई एक्सिस देखो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंड करना, ठीक है, कहां से वाई एक्सिस से, तो देखो इसको हम सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, प्लॉट करने के लिए क्या होगा मेरे पास, देखो ए सेवन कॉमा फाइव है, ठीक है, तो यहां से एक दो तीन चार पांच छह सात ऐसे बना लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बनेगा, ठीक है, वन टू थ्री फोर ऐसा कुछ बनेगा, सेवन कॉमा फाइव कहाँ मिलने वाला है, एक्स सेवन होगा और वाई फाइव होगा, ये यहाँ पे मिलेगा, तो इसका पूछा गया है सेवन कॉमा फाइव जो है ये ए, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ होगा, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस ये है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ये होगा, बताओ ये यहाँ से कितना दूर है, ये यहाँ से सेवन यूनिट की दूरी पे है ना, देखो यहाँ से कितना दूर है सेवन, तो हम लिखेंगे इट इज डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस इज सेवन यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो क्या होगा इट्स डिस्टेंस इज सेवन यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है। फाइव में मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, देखो
फाइव में क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन फॉर व्हिच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन द क्वाड्रेंट। देखो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल होगा तो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, कहने का मतलब ये हुआ देखो एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर हो तो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, मतलब दोनों बराबर कब होता है, या तो प्लस प्लस हो या तो इसमें लाई करेगा, या तो क्या होगा इसमें ये तो माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है, तो बराबर कौन है, कौन किस में, इसमें इसमें इसी में बराबर होता है, या तो फर्स्ट में लाई करेगा या तो थर्ड में लाई करेगा, है ना। तो क्या होगा आइदर इन द फर्स्ट और इन द थर्ड, आइदर इन द फर्स्ट और इन थर्ड, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या होता है बराबर होता है ना, सेम सेम बात। पूछेंगे हम लोग 21 में पूछा गया ना, 21 में क्वेश्चन है कैरेक्ट विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा बताओ, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, 3-6, बी में दे रखा है -3-4, सी में दे रखा है मेरे पास 5-7, और डी में दे रखा है 0.3, बताओ कौन सा ऐसा कौन सा है कि किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, कौन सा पॉइंट है जो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये किस में आएगा बताओ, ये किस में आएगा, प्लस माइनस किस में आएगा, याद है फोर्थ में आता है, ये देखो तुम लोग प्लस माइनस ये किस में आएगा, माइनस प्लस सेकेंड में, ये प्लस प्लस फर्स्ट में, और ये किसी में नहीं आएगा, नॉट इन एनी क्वाड्रेंट, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो जीरो कहीं नहीं आता, जीरो क्या होगा, जीरो ओरिजिन पे लाई करेगा, और थ्री वाई पे है, थ्री यहाँ पे आएगा ना, थ्री तो यहाँ आ रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट में है क्या, ये ना इसमें है ना इसमें, इसमें जाएगा तभी तो फर्स्ट में आएगा, देखो इसमें अगर आता, इसमें आता तो फर्स्ट में हो जाता तुम्हारा, है ना, और इसमें आता तो सेकेंड में हो जाता, समझ रहे हो ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ना ये इसमें है ना इसमें, यहाँ पे लाई कर रहा तो यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट नहीं है ना, तो हम लिखेंगे 0.3 नॉट लाइंग एनी क्वाड्रेंट। आगे क्या है P6, देखो 22 में दे रखा है मेरे पास सवाल, क्या होगा देखो यहाँ पे द एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB, AOB 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होगा, ठीक है, तो व्हाट इज 0.6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 0.6, 0.6, उसके बाद क्या है मेरे पास 0.0 यहाँ पे होगा, और 6.0 कहाँ होगा, ये यहाँ पे होगा 6.0, इससे एक ट्रेंगल बनाओ, ट्रेंगल कैसे बनेगा, ऐसे ट्रेंगल बनेगा, ऐसा बनेगा, और इसका एरिया बताना, एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या, बेस क्या बताओ, बेस क्या यहाँ पे, ये बेस यहाँ से यहाँ 6, और हाइट कितना यहाँ से यहाँ 6, कितना होगा तुम्हारा 36, आधा कितना 18 स्क्वायर यूनिट, आंसर।